हाय फ्रेंड, मैं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है एक नोटिस जारी हुआ है जो कि AIRF की तरफ से है, ठीक है। तो इसमें पांच मुद्दों की बात की गई है और लास्ट मुद्दा जो है पांच नंबर में वो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है और वो मेन मुद्दा है। उसमें जो है हड़ताल, जो यानी एक मुद्दा होता है वहाँ पे, जो यहाँ पे इस डेट में हम हड़ताल करेंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, वो इस डेट में दर्शाया गया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो पांच नंबर में है। तो इस वीडियो को पूरा बने रहे और एक एक बात को अच्छा समझें। और यहाँ पे AIRF की तरफ के जो यूनियन है, सारे के मतलब सारे सहमति से ये एक लेटर जारी किया गया है और ये दिल्ली रेल मंत्री की तरफ से ये सौंपा गया है और इस डेट में उनका मीटिंग के रखा गया है। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो फिर ये आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेट पहले आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2020 का डेट आया है और इसमें मैं इसको शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा ताकि लेंदी ना हो, क्योंकि मैं इस पूरा नोटिस को पढ़ चुका हूँ और इसको मैं हिंदी में डायरेक्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे AIRF तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है और ये सब्जेक्ट में जो लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्शन प्लान यूनिवर्सिटी डिसाइडेड इन द विजुअल, यानी जो एक्शन डिसाइडेड किया गया, यहाँ पे निर्णय लिया गया, प्लान जो इसका कमेटी मीटिंग जो था वो 28-29 दिसंबर को था, ठीक है। और यहाँ पे पांच मुद्दों पे यहाँ पे बात किया गया और पांचों मुद्दों मैं आपको पढ़ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे दर्शाया गया, देख सकते हैं, ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ट्वीट इन लैक्स हैंडबिल प्राइम मिनिस्टर को करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को करना है, होम मिनिस्टर को करना है, यानी जितना भी है ये आपको एक तरह का आप इसको मान सकते हैं कि ट्वीट मिशन चलाया गया है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और दूसरा में बोला गया है, देख सकते हैं, दूसरा नोट यहाँ पे 2 जनवरी 2021, यानी 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक एक अभियान चलाया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, संगम जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा जो कि सेव नेशन, यानी एक तरह समझ सकते हैं आप निजीकरण के खिलाफ ये अभियान शुरू किया जाएगा। और फ्रेंड, तीसरा में बोला गया है, मैं शॉर्ट में ही वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरह से आप लोग को समझ आ जाए। तो इसमें तीसरा में बोला गया कि सेव रेलवे सेव नेशन कैंपेन कमेटी, एक कमेटी चलाया जाएगा जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं, टू बी सेट अप ऑल द स्टेशन अक्रॉस द लेंथ, यानी जितना भी स्टेशन है सभी को इसमें जो है, जितना भी वहाँ पे आते हैं प्रधान, पंचायत, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, जो भी हैं सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है, 30 जनवरी 2021 को, ठीक है। और इस कमेटी मीटिंग में जो भी शामिल होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि इसका जो है सभी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सभी इसमें शामिल किया जाएगा। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ नंबर में ऑल द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एफिलिएटेड यूनियन शुड जॉइन वर्चुअल यूथ ट्रेड यूनियन एजुकेशनल इवेल्यूशन वर्कशॉप, ठीक है। यहाँ पे बोला गया जितना भी गवर्नमेंट वहाँ पे वर्कशॉप में वर्क करते हैं वो सभी को भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं और सभी का जो है 16 जनवरी 2021 को इसमें यूनियन को एक पार्टी संघ बना के उन लोग को भी जो प्रॉब्लम है उन लोग को भी बताने के लिए उसमें बोला गया है कि उसको क्या पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पुराने पेंशन को इसमें चालू करने के लिए इसमें मुद्दा उठाया जा रहा है। और फ्रेंड, पांचवा जो है ये मेन अप्रेंटिस वालों के लिए है और मैं इसके लिए ही वीडियो में लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, टू होल्ड धरना एट द ऑफिस ऑफ द GM, DRM एंड CWM थ्रूआउट द इंडियन रेलवेज ऑन 12 फरवरी 2021। ये बोला गया है कि अगर वो बात कोई नहीं मानते हैं, ठीक है, समायोजन नहीं करवाते अप्रेंटिस को, तो ये जो है सभी ऑफिस में जाके, यानी GM का ऑफिस हो गया, DRM का ऑफिस हो गया है, CWM का ऑफिस हो गया है, यानी सभी जगह पे 12 फरवरी 2021 को धरना प्रदर्शन एक शुरू किया जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके बारे में और यहाँ पे बोला गया है, उनका जो एक सेपरेट एग्ज़ाम होना चाहिए, या तो परमानेंट कर दिया जाए, या देख सकते हैं बोला गया सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स कम्प्लीट एक्ट अप्रेंटिस का, जैसे कि आप देख सकते हैं IOCL में जो एग्ज़ाम होता है अप्रेंटिसशिप, उसमें करके आदमी बैठा रहता है, लेकिन IOCL में क्या है कि आपको उसके लिए अलग से वैकेंसी निकालता है जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके रहते हैं। और ऐसा जो है रेलवे में नहीं होता है, सब में एक में ही बोल देता है और उसमें ही अप्रेंटिसशिप का कुछ अपॉर्चुनिटी दे देता है वहाँ पे
जैसे कि अभी 1 लाख में मात्र 20,000 ही उसमें दिया गया है सीट, तो रेलवे में ऐसा होता है और IOCL में ऐसा नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जो है अप्रेंटिस वालों के लिए ही जॉब निकाला जाता है। तो फ्रेंड इसमें ऐसा बोला गया है, डायरेक्ट समायोजन की बात इसमें कहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, फिर से आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।